साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने माफी तो मांग ली है, लेकिन उन्होंने ये साफ कहा है कि उनके इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर ये कहा कि मुझे आतंकी बताने वाले, कहीं ना कहीं उन्होंने महिलाओं और उन सन्यासियों का अपमान किया है। तो वहीं राहुल गांधी का ये कहना है कि वो अपने बयान पर कायम है और वो माफी नहीं मांगेंगे। मैं सदन में मेरे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से यदि किसी भी प्रकार से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट कर क्षमा चाहती हूं। परंतु मैं यह भी कहना चाहती हूं कि संसद में दिए मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर गलत ढंग से पेश किया गया है। महात्मा गांधी द्वारा देश के प्रति सेवा कार्य का मैं श्रद्धा और सम्मान करती हूं। मैं सदन को ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इसी सदन के एक माननीय सदस्य द्वारा मुझे सार्वजनिक तौर पर आतंकवादी कहा गया। कोई आरोप सिद्ध हुए मुझे आतंकवादी बताना एक महिला के नाते, एक सन्यासी के नाते, एक सांसद के नाते मेरे सम्मान पर हमला करके मुझे अपमानित करने का प्रयास किया गया है। ये भी हिंसा की प्रयोग करते हैं। आप अपने बयान पे कायम हैं? और क्या जो मैं ट्विटर पे लिखा है उसको उस पे कायम है।